देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इस देश को भ्रष्टाचार में धकेलने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा जाति धर्म और तुष्टिकरण की राजनीति की है, भ्रष्टाचार की राजनीति की है। लेकिन देश की जनता को यह बर्दाश्त नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, किसी तरह का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, क्योंकि हमेशा कांग्रेस भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति करती है, वो राजनीति। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इस देश को भ्रष्टाचार में धकेलने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा जाति धर्म और तुष्टिकरण की राजनीति की है, भ्रष्टाचार की राजनीति की है। लेकिन देश की जनता को यह बर्दाश्त नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, किसी तरह का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, क्योंकि हमेशा कांग्रेस भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति करती है, वो राजनीति। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इस देश को भ्रष्टाचार में धकेलने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा जाति धर्म और तुष्टिकरण की राजनीति की है, भ्रष्टाचार की राजनीति की है। लेकिन देश की जनता को यह बर्दाश्त नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, किसी तरह का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, क्योंकि हमेशा कांग्रेस भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति करती है, वो राजनीति।